तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूट और कॉलेज में जब हम कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लेते हैं तो उसको कैसे सेटअप करेंगे। यानी कि दोस्तों इस मॉड्यूल में आपको मेंटेन करना होता है जो भी आपके कोर्सेस होते हैं जो इंस्टीट्यूट और कॉलेज में चल रहे होते हैं उनके टाइम टेबल से लेकर के टीचर के टाइम टेबल तक, और साथ ही साथ आपको इस मॉड्यूल में अपने कोर्सेस और सेक्शन सब कुछ सेटअप करना रहता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपको कौन सा फैकल्टी किस कोर्स के लिए किस सेक्शन के लिए असाइन करना है वो भी हम सेटअप करेंगे। और इतना कुछ करने के बाद हमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ग्रुप भी सॉफ्टवेयर में सेट करना होता है। और दोस्तों इसके बाद हमें एचआर मॉड्यूल में स्टाफ की डायरेक्टरी और सब्जेक्ट लिस्ट सब कुछ सेटअप करना होता है। तो ये सारे सेटअप्स हम कॉलेज के लिए कैसे करेंगे, चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं। और यहां पर एक चीज और दोस्तों कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए अब फटाफट से सब कुछ प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर में ऑपरेट करते हैं। तो फिलहाल हमारे सामने कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का जो एडमिन पैनल का लॉगिन डिटेल्स है उसका विंडो हमारे सामने ओपन हो गया है। तो यहाँ पर हम अपना एडमिन डिटेल्स का जो क्रेडेंशियल्स है वो एंटर करेंगे, और इसके बाद हमें यहाँ पर कैप्चा कोड देना होता है। तो चलिए हम फिलहाल कैप्चा कोड एंटर करके इसके अंदर हम लॉगिन कर लेते हैं। तो ये हमने कैप्चा कोड फिलअप कर लिया है, बस साइन इन पे क्लिक करेंगे। और हमने जैसे ही साइन अप पे क्लिक किया है ये हमारा पूरा कंप्लीट कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का जो डैशबोर्ड है वो ओपन होकर के आ गया। अब क्या है कि इसके एडमिन पैनल में कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स होते हैं और आपके कॉलेज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कैसे सारा कुछ सेटअप करेंगे मैंने पहले के वीडियोज में भी बताया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहले के वीडियोज नहीं देखे तो वो वीडियोज भी आप जरूर जाकर के देख लें, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग जो सेटअप करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं अपने कॉलेज को सेटअप करेंगे अपने कॉलेज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यानी कि हमारे कॉलेजेस में जो जो कोर्सेस होते हैं जो सेक्शंस होते हैं तो वो चीजें हम कैसे मेंटेन करेंगे आज उसे हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एकेडमिक्स मॉड्यूल की, यानी कि कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जो एकेडमिक्स मॉड्यूल है जहां पर हम अपना पूरा कोर्स का टाइम टेबल टीचर का टाइम टेबल सब कुछ प्रॉपर वे में मेंटेन करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे इसे देख लेते हैं, और उससे पहले हम एकेडमिक्स मॉड्यूल का जो वर्क फ्लो होता है उसे भी समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड सेक्शंस एंड कोर्सेस अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज। तो आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको सेक्शन और क्लासेस ऐड करने हैं, सबसे पहला काम ये होता है। उसके बाद हम असाइन करेंगे टीचर को टू द पार्टिकुलर कोर्सेस, और इवन आप कह सकते हैं टू द पार्टिकुलर क्लास, एंड देन उसके बाद हम सब्जेक्ट ऐड करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप ऐड करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो क्लास का टाइम टेबल होता है और टीचर का टाइम टेबल होता है उसे हम क्रिएट करेंगे सो दैट स्टूडेंट्स जो है वो अपना टाइम टेबल देख सके, और इसके साथ साथ टीचर भी अपना टाइम टेबल देख सके कि उन्हें किस कोर्सेज में के लिए जाना है, किस कोर्सेज का क्लास उनको लेना है, किस सेक्शन में लेना है, तो वो अपना टाइम टेबल देख सके, और स्टूडेंट के पास भी अपना सारा कुछ पैनल होगा और वो अपना टाइम टेबल भी देख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है दोस्तों एकेडमिक्स मॉड्यूल में, जो कि है कि आप यहाँ से स्टूडेंट्स को प्रमोट भी कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए अगर ऐसी कोई नीड है तो। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ एकेडमिक्स मॉड्यूल में सबसे नीचे जो यहाँ पर ऑप्शन है सेक्शंस का उस पर क्लिक करेंगे लाइक दिस, और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास सेक्शन ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्रिएट है, जैसे कि ए बी सी डी ई और ऐसे जितने भी सेक्शंस हैं आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका एफ सेक्शन है तो आपको जस्ट यहाँ पे एफ टाइप करना है और यहाँ पर हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ सेशन बन गया। अगर आपको किसी भी सेक्शन को डिलीट करना है तो आप यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे वो डिलीट हो जाएगा, और अगर किसी भी सेक्शन को एडिट करना है कुछ अलग सेक्शन के नेम से आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इजिली आप मेंटेन कर सकते हैं, उसको इजिली आप एडिट कर सकते हैं। ऑल राइट, और इन्हीं सेक्शन का अगर आप एक्सेल सीट लेना चाहते हैं पीडीएफ फाइल में प्रिंट करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें कर सकते हैं, ऊपर में ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है। और जैसा कि मैंने हर बार आपको बताया कि ये कंप्लीट कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है तो आप आराम से इस सॉफ्टवेयर को कंसीडर कर सकते हैं अपने कॉलेज के लिए। तो यहां पर आप देख ही सकते हैं कि सेक्शन लिस्ट आपको प्रॉपर वे में शो हो रहा है। तो फिलहाल चलिए फिर से हम अपने एकेडमिक्स वाले पार्ट में जाते हैं, और अभी हम जाएंगे क्लास वाले सेक्शन पे। तो यहाँ क्लास पे क्लिक करते हैं और यहां से जो भी हमारे यहाँ पे कोर्सेस होते हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ दाहिने साइड में जो क्लास लिस्ट आ रहा है
तो जो भी अपने कॉलेज में कोर्सेज होते हैं वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना होता है। जैसे कि बीएससी हमारे यहाँ सेक्शन ए और बी में होता है, तो हमने यहाँ पर इस तरह से क्रिएट कर लिया है, बेसिक साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम कोर्सेज जो भी क्रिएट करेंगे वो हमें यहाँ पर लिस्ट में शो होगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे सेक्शन को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वैसे आप अपने जो भी अपने क्लासेस बनाए हैं, जो आपने कोर्सेज बनाए हैं, उसे भी अगर आपको एडिट करना हो तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं, और उसके जस्ट बगल में डिलीट का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप इजिली डिलीट भी कर सकते हैं। और एक चीज और, हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं एक नया कोर्स यानी कि क्लास ऐड करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जब भी हम नया कोर्स क्रिएट करते हैं तो उसके साथ साथ आपको सेक्शंस क्रिएट करना होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर एक कोर्स होता है कॉलेज में आईटी इंजीनियरिंग, ठीक है, तो यहाँ पे आईटी इंजीनियरिंग हम टाइप करेंगे लाइक दिस, और उसके बाद हमें जो सेक्शंस सेलेक्ट करने होते हैं, जैसे कि आईटी में हमारे पास ए बी और सी सेक्शंस है, तो हम सिर्फ ये तीन पे सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास डी ई एफ भी है तो हम सेक्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ए बी सी करेंगे और इसके बाद हम सेव करेंगे। और इसको बाद में अगर आपके सेक्शंस बढ़ जाते हैं तो आप उसमें क्या है कि बाद में यहाँ एकेडमिक्स वाले पार्ट में आकर के आप अपने सेक्शन को एडिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आपको एडमिन पैनल में मिलेगा। और क्या है ना दोस्तों कि आपको पता ही है कि इस कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्रिविलेज दिए हुए हैं, बहुत सारे यूजर परमिशंस है, तो जो मैं आपको सॉफ्टवेयर का पार्ट दिखा रहा हूँ ये मेन एडमिनिस्ट्रेटर पैनल दिखा रहा हूँ आपको, तो यानी कि जो एडमिन के पास कंट्रोल है कि वो कोर्सेज को एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, लेकिन आपके जो ऑपरेटर होंगे या फिर आपके ऑफिस में जो लोग सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करेंगे, जो आपका रिसेप्शनिस्ट होगा, जो आपका अकाउंटेंट होगा, वो कभी भी ये सारी चीजें एडिटिंग नहीं कर सकता है। तो ये प्रिविलेज सेट करने के ऊपर होता है कि आपने प्रिविलेज दे रखा है एडमिन को, तो एडमिन के पास तो पूरा कंट्रोल है सॉफ्टवेयर का कि वो सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बट ये प्रिविलेज अगर आप अपने अकाउंटेंट को देते तो वो भी आपके लिए कर सकते हैं। तो ये सारा प्रिविलेज अकॉर्डिंग पूरा सेटअप है, मैं आपको सारी चीजें बहुत ही डिटेल में अच्छे से बताने वाला हूँ। तो फिलहाल एनीवे अभी आपको क्लासेस यानी कि कोर्सेस ऐड करना आ गया होगा, उसे एडिट डिलीट कर सकते हैं, बहुत इजी है। जैसा कि आप देख सकते हैं सेक्शन भी हमने क्रिएट कर लिया है, तो अब नेक्स्ट हमारा जो काम है वो है सब्जेक्ट्स क्रिएट करना। तो सब्जेक्ट्स के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पे क्लिक करना होगा लाइक दिस। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए, हमारे पास यहाँ पे कोई भी हमने सब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पे राइट साइड में हमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं शो हो रहा है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ लेफ्ट साइड में आपको अपने सब्जेक्ट्स टाइप करने होंगे, जितने भी कोर्सेज के आपके पास सब्जेक्ट्स है सारे सब्जेक्ट के लिस्ट हम यहाँ पर बना लेंगे, और ये भी बहुत आसान है, देखते हैं कैसे बनाएंगे। और आपको पता है कि सब्जेक्ट दो तरीके से वर्क करता है, एक होता है थ्योरी और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। तो जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है वहां पर हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, और जो सब्जेक्ट हमारा थ्योरी में आएगा उसे हम थ्योरी सेलेक्ट करेंगे, और उसके नीचे जो सब्जेक्ट कोड है यहाँ पर हमें एज इट इज जो सब्जेक्ट का कोड होता है वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और आपको पता है कि हर एक सब्जेक्ट्स के अपने अपने कोड होते हैं, तो वो हम दे सकते हैं या फिर आप अपने से खुद से कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट कोड नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सब्जेक्ट का कोड जरूर दें, क्योंकि हर एक कॉलेजेस में हर एक कोर्सेज के अपने अपने कोड होते हैं, तो वो हमें मेंशन करना चाहिए। और जो जो सब्जेक्ट्स हम यहाँ पर ऐड करेंगे वो हमें यहाँ पर राइट साइड में सब्जेक्ट लिस्ट में पूरा प्रॉपर वे में शो होगा। और जाहिर सी बात है कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हम सब्जेक्ट्स ऐड कर रहे हैं, तो ये हम बाद में इसे एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। वैसे क्या है ना दोस्तों कि जब आप ये कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लेते हैं तो हम आपको ये सारे सब्जेक्ट्स, क्लासेस, सेक्शंस आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग पूरा सेटअप करके देते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर गाइड भी कर रहे हैं कि अगर आप खुद से भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा डायनेमिकली वर्क करता है। तो चलिए यहाँ से फटाफट कुछ सब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर लेते हैं, थ्योरी के भी और कुछ प्रैक्टिकल के भी। तो सबसे पहले आता है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे जो भी हमारा लाइक सब्जेक्ट का नेम है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये हमारा थ्योरी में आता है तो हम यहाँ पे थ्योरी सेलेक्ट करेंगे। जो इसका कोड है हमारा वो है FCP01, तो यहाँ पर हम इस तरह से देंगे और यहाँ पे सेव करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने सेव किया यहाँ राइट साइड में ये हमारे पास लिस्ट प्रॉपर वे में शो हो रहा है, और यहाँ पर अगेन ये ऑप्शन आ गया एडिट एंड डिलीट का, तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर दूसरा सब्जेक्ट भी एक बनाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स का इस तरह से हम टाइप करेंगे। उसके बाद ये हमारा थ्योरी का है,
इसका जो हमारे पास सब्जेक्ट कोड है वो मेंशन करेंगे और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। ये देख सकते हैं कितनी आसानी से सब्जेक्ट्स ऐड हो जा रहा है। चलिए एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि सीएस प्रोग्रामिंग एक सब्जेक्ट होता है जो कि प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल पे ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम CSP इसका जो कोड है वो मेंशन करेंगे और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ राइट साइड में भी आप देख सकते हो कि जो थ्योरी वाले है वो थ्योरी में शो हो रहा है और जो प्रैक्टिकल है वो आपको प्रैक्टिकल में शो हो रहा है। इसी तरह से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप आसानी से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश। तो अगर आपका कोई इंग्लिश का कोई सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। थ्योरी है, सब्जेक्ट कोड जो इसका आता है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। कुछ ड्राइंग के सब्जेक्ट्स होते हैं तो ड्राइंग यहाँ पे हमें टाइप करना होगा और ये प्रैक्टिकल होता है बेसिकली, तो यहाँ पे हम ऐसे प्रैक्टिकल और सब्जेक्ट कोड मेंशन करके सेव बटन पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि साइंस, तो ये भी हमारा थ्योरी में आता है, तो यहाँ पे SC इसका कोड है, मेंशन करेंगे और सेव बटन पे क्लिक करें। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम सब्जेक्ट्स ऐड करें कितना फास्टली ये डायनेमिकली हमारे राइट साइड में आ रहा है और इस तरह से ये पूरा सब्जेक्ट का लिस्ट बन जाएगा। तो चलिए फिर से हम अपने एकेडमिक्स वाले सेक्शन पे चलते हैं और यहाँ सब्जेक्ट्स के ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है सब्जेक्ट ग्रुप का, यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। अब सब्जेक्ट ग्रुप बेसिकली कैसे काम करता है इसे आप समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ग्रुप का जो नेम है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद नीचे आता है क्लास। क्लास का मतलब जो आपके कोर्सेज है जो आपके कॉलेजेस में आप प्रोवाइड कराते हैं वो सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए थे वो सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे शो होगा। तो बस आपने सब्जेक्ट ग्रुप का नाम देना है, उसके बाद हम क्लास पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और अगर कुछ भी ऐसा डिस्क्रिप्शन हम देना चाहते हैं उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट ग्रुप के लिए तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप करेंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे। और ये जितने भी सब्जेक्ट ग्रुप बनाएंगे हमेशा की तरह यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ग्रुप लिस्ट में शो हो जाएगा और उसे भी आप बाद में एडिट एंड डिलीट कर सकते हैं, और अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं एक्सेल शीट के फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मैं एक सब्जेक्ट ग्रुप आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे एक कोर्स है CSE का, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले CSE और फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं लेकिन फिलहाल मैंने फर्स्ट सेमेस्टर लिख दिया। और यहाँ पर आप अपने समझने के लिए सब्जेक्ट ग्रुप भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप फर्स्ट ईयर भी CSE फर्स्ट सेमेस्टर लिखेंगे तो भी चलेगा। कुछ लोग CSE फर्स्ट ईयर लिखते हैं तो आपका सेमेस्टर वाइज अगर सारा कुछ एग्जामिनेशन सिस्टम चलता है तो आप सेमेस्टर वाइज बनाइए, ज्यादा बेहतर होगा। कुछ लोग ईयर वाइज बनाना चाहते हैं तो आप ईयर वाइज भी बना सकते हैं और जैसा कि आपको पता है सॉफ्टवेयर में ये कस्टमाइजेबल ऑप्शन है तो आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ से हम क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो क्लास था वो था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेक्शंस आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा तो सारे सेक्शंस पे हम टिक मार्क करेंगे। उसके बाद हमने इसमें सब्जेक्ट्स को टिक लगाना है, तो जैसे फंडामेंटल्स, डेटा स्ट्रक्चर, CS प्रोग्रामिंग और ये इतने सब्जेक्ट जो है इस पार्टिकुलर सेमेस्टर से बिलोंग करता है तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया एज इट इज। कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, फिलहाल मैं इसे स्किप कर रहा हूँ और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ ही सब्जेक्ट्स बनाए थे आपको समझाने के लिए तो इसलिए ये लिस्ट दिख रहा है, लेकिन आपके CSE फर्स्ट सेमेस्टर में जो 8 सब्जेक्ट्स आते हैं तो उन सारे सब्जेक्ट्स का आप नाम लिखेंगे और ऐसे ही टिक मार्क लगा करके इसे सेव करेंगे। अब आप जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट ग्रुप लिस्ट राइट साइड में आपको प्रॉपर वे में शो होता है, जैसे कि उसका नेम CSE फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट ग्रुप प्रॉपर वे में आ रहा है। क्लास सेक्शन तो ABCD आपका ये पूरा आ रहा है A से E तक। उसके बाद सब्जेक्ट्स, तो जो जो सब्जेक्ट्स है उसमें ये शो कर रहा है ऑलराइट, और इसे भी आप एडिट एंड डिलीट कर सकते हैं। अब इसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट ग्रुप है जो वो आपको क्रिएट करना है अपने कॉलेज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एक सब्जेक्ट ग्रुप और मैं आपको बना के दिखा सकता हूं, जैसे कि BSc फर्स्ट ईयर, और यहाँ पर भी मैं सब्जेक्ट ग्रुप लिख रहा हूँ, हालांकि सब्जेक्ट ग्रुप लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन इसे आपको समझने में आसानी होगी इसलिए मैंने BSc फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट ग्रुप यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ से क्लास जो है अपना कौन सा होगा, BSc होगा। सब्जेक्ट्स कौन कौन से आएंगे इसमें, ये सेक्शन आगे जो हमने सेक्शन सेलेक्ट किए थे क्लास बनाते समय, तो हमारे पास BSc 2 ही सेक्शन आते हैं क्योंकि हमने वहां पे असाइन किया था क्लास में, तो यहाँ पर ये 2 सेक्शन शो हो रहे हैं। तो फिलहाल इसमें जो हमारे पास सब्जेक्ट आते हैं वो आते हैं इंग्लिश, ड्रॉइंग, साइंस, तो इस तरह
तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट साइड में भी आप आसानी से ये नेम क्लास सेक्शन सब्जेक्ट एक्शन ये सारी चीजें बन करके आ जाती है। तो दोस्तों आपने देखा कि सब्जेक्ट ग्रुप भी बनाना कितना आसान है इस सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि अगर हमें अपने कॉलेज का सेक्शन क्रिएट करना हो, क्लासेस क्रिएट करना हो, यानी कि कोर्सेस क्रिएट करना हो, सब्जेक्ट ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये कितना आसान है, इसे हम आसानी से अपने कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम क्लास टीचर को ऐड करेंगे, उनको असाइन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम जानेंगे, टाइम टेबल कैसे सेट करेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यहां पर मैं दोस्तों आपको यही कहूंगा कि अगर आपका भी आप भी कॉलेज रन कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं या फिर कोई यूनिवर्सिटी रन कर रहे हैं और आपको एक परफेक्ट कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है सो दैट कि आप स्टूडेंट्स को प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज कर सके, अपने फीस स्ट्रक्चर को मैनेज कर सके, अपने आपके जितने भी स्टाफ्स हैं, आपके एम्प्लॉई हैं या फिर आपके जो फैकल्टीज हैं उन सबको प्रॉपर वे में मेंटेन करके रख सके, आपका सारा सिस्टम कंप्यूटराइज रहे, अपने कॉलेज को आप डिजिटली अगर प्रमोट करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहते हैं, अपना एक प्रॉपर वे में ऑनलाइन कॉलेज का एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें। हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि क्या है ना दोस्तों कि आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सलाम दो और कम प्रदान सत्यकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।